दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की हत्या हो गई है। ये वारदात जेल नंबर 3 में हुई है। दोपहर के समय आपस में झगड़ा होने के बाद ये हमला किया गया। ये अपने आप में बहुत अहम है। देश का सबसे बड़ा जेल है तिहाड़ जेल, और उसमें इस तरह से कैदी की हत्या होना। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, ये क्या इस पर और डिटेल्स मिल रही हैं आपको? देखिए जी, हत्या जो है वो आज करीब 3 बजे हुई है। जेल नंबर 3 में दीपक उर्फ सागर नाम का एक कैदी बंद था, और उसका किसी बात को लेकर 3 कैदियों से झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद उन कैदियों ने उस पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया और वो घायल हो गया था। उसके बाद उसको तिहाड़ जेल प्रशासन जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है वहां पर लेकर गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। तो हत्या के पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जेल के अंदर जो हत्याओं का सिलसिला था वो काफी लंबे समय से बंद था। जो जेल में आखिरी हत्या हुई थी वो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, और उसके बाद से काफी जेल में इस तरह के मामले ना हो उसको लेकर काफी जो है तैयारियां की गई थी, और जो सुरक्षा थी वो नए सिरे से लगाई गई थी। उसके बाद भी आज जो है तिहाड़ में कैदी की हत्या हो जाती है, तो अपने आप में तिहाड़ प्रशासन पर काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, प्रशासन पर वाकई में सवाल खड़े होंगे तिहाड़ जेल के कि कैसे एक कैदी की हत्या हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश। इतना ही समय है, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।